Hi and assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is the ninth part, so in this part we are going to texture our model. So let's get started. So yahan pe is video mein last mein humne choda tha jo last video thi usme yahan pe choda tha humne basically maps pe kiye the humne aur jo smart material hai mera jo stylized jo hamesha se use karta hu main basically wo apply karke to humne look and feel dekhi thi ki kya look and feel de raha hai ye. सो अभी जो है कंटिन्यू करेंगे आगे बेसिक एक्चुअल टेक्सचरिंग की तरफ चलेंगे. सो अभी फ़िलहाल मॉडल ही अच्छा लग रहा है. सो सबसे पहले डिसाइड कर लेते हैं जी हमें मेटल कौन कौन सा पार्ट मेटल में चाहिए और कौन सा पार्ट जो है ये मैं स्टोन में करूँगा प्रोबेबली और बाकी देखें. सो लेट्स सी हाउ इट गोज. सो सबसे पहले तो यहाँ पर जाते हैं जी और इसमें आते हैं और इसको मैं करता हूँ कंट्रोल डी एक दफ़ा डुप्लीकेट के लिए. कंट्रोल डी से डुप्लीकेट होगी और मैं यहाँ पे करता हूँ राइट क्लिक ऐड अ ब्लैक मास्क. ब्लैक मास्क ऐड करने के बाद मैं जाता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे ये बेसिकली है मैश व्हील. इसके अंदर जाता हूँ और ये बेसिकली सिलेक्ट कर लेता हूँ कि ये मुझे बेसिकली चाहिए जो है आपके उसमें स्टोन में सॉरी. और इसमें मेटल में आते हैं यहाँ पे आके करते हैं ब्लैक मास्क. वो आप परेशान हो रहे होंगे देख रहे होंगे कि वो हुआ नहीं कुछ. वो इसलिए कि वो इसमें सब कुछ सिलेक्ट था तो सबसे पहले इसमें से निकाल देते हैं जी. हम मैश में ही हैं. ये मेटल चाहिए हमें, ये मेटल चाहिए हमें फ़िलहाल और इसको सिलेक्ट करते हैं. ये भी मेटल चाहिए हमें. लेट्स से कि इसको भी देख लेते हैं मेटल करके और यहाँ पे आते हैं तो ये बेसिकली हमें मेटल चाहिए. और अभी आप देखें तो ये इस पर अप्लाई हो गया और क्योंकि वो बेसिकली उस मास्क में ऐड था. सो यहाँ पे आते हैं और इसका कलर थोड़ा चेंज करके देखते हैं. थोड़ा इसमें आते हैं ब्लैकनेस में. आप देख रहे होंगे कि मैं कलर यहाँ पर ब्लैक कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पर पूरा जो है वो अप्लाई नहीं हो रहा. वो भी आपको मैं भी दिखा देता हूँ क्यों. और ये लाइन भी आ रही है. ये मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि इट्स नॉट अ बिग डील. ये भी जो है वो गायब हो जाएगी. बेसिकली ये हमारे एजेस हैं जो लेयर मैंने सेलेक्ट किया. आप देखें ये ऑफ़ करते हैं तो सब हो जाता है. इसमें जाते हैं इसमें मास्क में और इसमें ये मास्क एडिटर है. इस पर क्लिक करते हैं. जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मास्क एडिटर जो है उसकी हमारी ऑप्शन आ जाएंगी और ये ऑप्शन आ गई हैं. आई एम रियली सॉरी फॉर लिटल वेट. जो थोड़ा सा इंतज़ार होता है वो बेसिकली लैपटॉप का है मेरा. यहाँ पे आके इसके ग्लोबल बैलेंस के साथ हम प्ले करेंगे. तब तक हम इसकी वैल्यू कम करेंगे जब तक ये लाइन जो है हमारी गायब नहीं हो जाती. तो लेट्स से पीछे करता हूँ. आप देखें फ़र्क पड़ रहा है. मैं इसको थोड़ा और पीछे करूँ तो आप देखेंगे कि और फ़र्क पड़ेगा. यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा. मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा और यहाँ पे आके इसको थोड़ा सा मैं और कम करता हूँ तो आप देखें ये ऑलमोस्ट और ये गायब हो गया. ठीक है जी. और उसके बाद इसका ये कलर जो है ये बहुत भद्दा सा बुरा सा कलर है. तो इसके कलर में आते हैं यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और इसको भी मैं लेके जाऊँगा थोड़ा सा ब्लैक की तरफ. तो अभी आप देखेंगे कि ये काफ़ी वो स्टोन वाली फीलिंग तो नहीं दे रहा कम्प्लीट लेकिन वी आर गेटिंग देयर स्लोली बट गेटिंग देयर. ठीक है जी. मैं थोड़ा सा इसको और करता हूँ डार्क तो अभी आप देखें ये ऑलमोस्ट वी आर गेटिंग देयर. ठीक है जी. तो उसके बाद ये कैविटी है इसकी जी. कैविटी ख़त्म करता हूँ तो देखें ये बेसिकली ये चीज़ है कैविटी. सबसे पहले तो मैं इसके आता हूँ ये आपका जो कलर वेरिएशन है इसको ख़त्म करेंगे तो आप देखें ये जो कलर वेरिएशन उस पर आ रही है बेसिकली एक्चुअल कलर ये है और ये जो वेरिएशन मैंने डाली हुई है वो ये है. इसकी तरफ भी आते हैं. सबसे पहले मैं जाता हूँ जो ये चीज़ें आपको बुरी लग रही होंगी मुझे भी लग रही हैं ऑब्वियसली तो वो ये आपका क्लूजन है. इसको ऑफ करके देखते हैं. देखें जी बिल्कुल वही क्लूजन ही है. और इसको मैं ऑन ही रहने देता हूँ ख़त्म नहीं करूँगा. मैं सबसे पहले इसके कलर में आता हूँ और इसका कलर जो है वो चेंज करता हूँ. लेट्स से मैं फुल ब्लैक की तरफ आ जाता हूँ. हाँ कोई डर नहीं है. ये थोड़ा सा ग्रे नहीं ब्लैक की तरफ ही आ जाएगा. लेट्स से कि
लेट्स से ये ठीक है। और इसकी तरफ आते हैं जी, इसके जो है मास्क में, और मास्क एडिटर जो मेरा है सेलेक्ट करूँगा डर्ट जो है, और उसके बाद आके डर्ट लेवल इसको मैं काम करता हूँ, ठीक है। एक मैंने आपको हमेशा से बताया कि कुछ भी हो आप मास्क एडिटर यूज़ करते हैं, कोई भी ऑप्शन यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले उसको आप ज़ीरो कर दें। आप ज़ीरो करेंगे तो आपको एक्चुअल पता लग जाएगा क्या फ़र्क पड़ा। उसके बाद आप उसको ग्रेजुअली जो है उसको बढ़ाते जाएं, और उसकी जो चेंजिंग है वो आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। या उसको फुल कर दें या बिल्कुल, मतलब अभी या फुल कर दें और उसके बाद कम कर लें ग्रेजुअली, या बिल्कुल कम कर दें ऑलमोस्ट ऑफ और उसके बाद ग्रेजुअली बढ़ाना शुरू कर दें। इस तरह ये मैं बढ़ा रहा हूँ तो आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, ये देखिए मैं इसको बढ़ाऊँगा और ये आप देख रहे हैं। लेट से इतना कर देता हूँ इसको, ठीक है जी। और अभी मैं अगर देखूँ इसको ऑफ करता हूँ तो ये था, ठीक है। और जो हमने एडिटिंग की है अभी तक उसमें ये है, ये काफ़ी एक एक पॉपअप एक पॉप हुआ बीच में से एकदम ना। उसके बाद हम आते हैं जी, ये कलर वेरिएशन है जो हमारी, ठीक है जी। इसको सिलेक्ट करते हैं और ये हुआ हुआ है, इसके साथ प्ले करते हैं थोड़ा और देखते हैं जी ये इसको क्या वेरिएशन देना चाहते हैं। और ये इसकी वेरिएशन इस वक्त आ रही है, ठीक हो गया जी। इसको जूम करते हैं और यहाँ पे जाते हैं, इसको मैं नेट से ब्लैक करूँ, ये ब्लैक हो जाएगा। ये देख रहे हैं आप जो वेरिएशन आ रही थी बिल्कुल सिंपल हो गया, ठीक है। और अब इसको वेरिएशन देना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे डायनामिक में आते हैं और यहाँ पे चलते हैं, ठीक है जी। ये थोड़ा सा कलर और उसके बाद यहाँ से चेंज करते हैं। आप यहाँ पे फील करेंगे, ये मैं रोटेट करूँ लाइट, ये देखें अभी ये चीज़ देखें, यहाँ पे आपको मालूम होगा कि वेरिएशन बेसिकली क्या है। और यहाँ से इसको थोड़ा सा कम कर वाइट में लेके जाऊँ, फुल करूँगा वो देखें फुल हो गया, और मैं इसको कम करता जाऊँगा, ठीक है जी। ये कम करेंगे 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 ऑलमोस्ट वाइट की तरफ, हल्की से जो है वो रहने देते हैं, ये आपको फील हो रही होगी तरफ, ठीक है जी। और ठीक है जी, आई थिंक ये काफ़ी है, और इसकी तरफ आते हैं, ये जो हमारी है और ये बेसिकली ये तो एजिस थे आपके, ठीक है जो ये थे, ये तो ठीक है। हमने आना है जी, ये आपकी कैविटी है, ठीक है, जो बेसिकली ये आ रही है, ठीक है। अब हम प्ले करेंगे कैविटी के साथ, और कैविटी में आते हैं और लेट से इसका कलर सबसे पहले चेंज करते हैं, डार्क की तरफ लेके जाते हैं, फुल ब्लैक करें तो ये आ जाएगा, ठीक है जी, जो कि नॉट बैड, अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ी सी वेरिएशन हम दे देते हैं हल्के से। लेट्स से अगर मैं ब्लैक में आऊँ और मास्क में जाते हैं, इसके मास्क में, और ये एडिटर लगा हुआ है इसमें मास्क एडिटर, उसमें आते हैं और ये इसकी ऑप्शन रहें जी, ठीक है। इसमें सबसे पहले ग्लोबल बैनर्स में आते हैं, पकड़ के इसको फुल कर देते हैं, ठीक है जी। और एक सेकंड ये लोड हो रहा है और ये इसने फुल कर दिया, ठीक है जी। और उसके बाद हम इसको
काम करेंगे। देखें ना, इसीलिए कि एकदम हम डर ना जाए, घबरा ना जाए, इसीलिए मैं इसको सबसे पहले जीरो की तरफ लेके जाता हूँ और फिर ग्रेजुअली बढ़ाता हूँ। तो ये हम वापस आते जाएंगे, और ये देखें हमारा जो मॉडल है उसके चुंगल से निकल गया, आज़ाद होता जा रहा है, और ये वापस आएंगे हम। ठीक है जी, ठीक हो गया जी। देखेंगे क्या फील दे रहा है बेसिकली। ठीक है जी, और उसके बाद इसको और काम करते हैं, देखते हैं क्या हरकत हो रही है। कम हो गया है, बढ़ाते हैं थोड़ा। ये चीज़ आपने यहाँ पे नोट करना है, जो मैं थोड़ा सा ग्रंज सा देना चाह रहा हूँ इसको। ठीक है जी, आप देखेंगे ये फील करेंगे। ठीक है जी, आई थिंक ये अच्छा लग रहा है। ठीक है जी, नॉट बैड, लुकिंग गुड, और सब हो गया हमारा जी, एज भी हो गया। अच्छा जी, अब आते हैं हम मेटल की तरफ, और सबसे पहले तो मैं इसको करता हूँ कंट्रोल डी, एक कॉपी ले लेता हूँ इसकी, और यहाँ पे करता हूँ ब्लैक मास्क, और मैश फिल में ही हैं हम, और मैं सेलेक्ट करता हूँ इसको। ठीक है जी, ये वाले जो हैं हमारे स्पाइक्स, और ये सिलेक्ट हो गए हैं। उसके बाद आता हूँ इसके कलर में, और कलर में मैं जाके इसको क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे आते हैं, और फिर ग्रेजुअली इसको जो है चेंज करते हैं, जो मुझे गोल्ड टाइप इसकी फील चाहिए, जिसना आप देखें वो ओल्ड जो होता था मूवीज वगैरह में भी, उसमें भी ये टोन बहुत यूज़ होती है। मिस्र वगैरह में अगर आप देखें तो इस तरह के काफ़ी जो बर्तन हैं, जो पुराने बर्तन होते थे उनके, और उनके काफ़ी स्टैचू वगैरह, ये कलर काफ़ी अच्छा है। थोड़ा सा ऊपर बढ़ाएं, देखें ये थोड़ा डार्क करके देखें, थोड़ा सा ऊपर करते हैं ऐसे। ठीक है, अभी ये हम सिर्फ सेलेक्ट कर रहे हैं, सिलेक्शन ले रहे हैं, कौन सा भी ये फाइनल हो गया, तो इंशाल्लाह इसको अभी फाइनल की तरफ तो लेके जाएंगे ऑब्वियसली। अभी तो हम जो है बेस बना रहे हैं इसकी, कि स्टोन का थोड़ा सा हमें पता चल जाए, और मेटल में हमें जो वेरिएशन बेसिकली चाहिए वो वेरिएशन इसकी देख लें हम। ठीक है जी, और ठीक हो गया। एक दफा देखते हैं क्या फील आ रही है बेसिकली। अच्छा जी, ठीक है जी। सो लेट्स से जी, इस वीडियो में इतना ही है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपनी टेक्सचरिंग। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड कीप लर्निंग, कीप वाचिंग एंड कीप स्पॉटिंग। अल्लाह हाफिज़।